हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वेल दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के, जी हाँ दोस्तों, सब कुछ बाहर आ चुका है। इसके रेंडर इमेजेस, इसके स्पेसिफिकेशन और इसका लॉन्च डेट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि कब तक इंडिया में ये लॉन्च होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन से लेकर प्राइसिंग से लेकर लॉन्च इवेंट तक सब कुछ यहाँ पे गैलेक्सी M52 5G का यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो क्या कुछ है तो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एज यूजल अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, एज वेल एज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे वीडियोज लाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट्स मिल ही जाए। वेल दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन लेटर ऑन यहाँ पे कितने प्राइसिंग और कब तक लॉन्च होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एज ए टोल्ड यू कि रेंडर इमेजेस बाहर आ चुका है माई स्मार्ट प्राइस। इन्होंने इस फोन के रेंडर इमेजेस वगैरह बाहर निकाला हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो जी हाँ, रेंडर इमेजेस के मुताबिक दो तीन चीज़ें कंफर्म हो चुका है। एक तो इसमें आपको यहाँ पे मिडिल पंच होल देखने को मिलने वाला है, मतलब पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आने वाला है। एज वेल एज पीछे की तरफ यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ आने वाला है, पॉलीकार्बोनेट बैक होने वाला है, लेकिन एक स्ट्रिप लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि जी हाँ क्वाइट अमेजिंग लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो रेंडर इमेजेस के हिसाब से तो फ़ोन तो दिखने को काफ़ी अमेजिंग है। एज वेल एज डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज ए टोल्ड यू इन डेट वीडियो, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपर एमोलेड का पैनल आने वाला विथ FHD प्लस डिस्प्ले। तो इट इज़ कन्फर्म डेट इस फोन में हमें एक सुपर एमोलेड का पैनल ही देखने को मिलने वाला है, विथ FHD प्लस डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको 120 हर्ट्ज का फर्स्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, जो कि आई वुड से डेट जी हाँ काफ़ी अमेजिंग बात बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिल रहा है, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलेगा भले ही यहाँ पे सुपर एमोलेड का पैनल डिस्प्ले हो। क्योंकि अगर आप देखोगे एम सीरीज़ में जनरली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं आते। इसके अलावा कैमरास के बारे में तो एज आई टोल्ड यू कि ट्रिपल रेयर कैमरा आने वाला, तो इट इज़ कन्फर्म डेट 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का एक आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलने वाला, 5 मेगापिक्सल का आपको या डेप्थ सेंसर या तो मैक्रो लेंस देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्रो लेंस ही आ सकता है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा विच इज़ कन्फर्म। और इसी के साथ अगर आप देखोगे जी हाँ, 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह तो सब कुछ आप कर ही पाओगे फ्रॉम बोथ रेयर एंड फ्रंट, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और इसके अलावा जो मोड्स वगैरह है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लाइक अब सिंगल टेक हो गया, हाइपरलैप्स हो गया, मतलब जो सैमसंग के कैमरास के मोड्स वगैरह आते हैं वो सब कुछ आपको कैमरास में देखने को मिल ही जाएंगे। इसके अलावा प्रोसेसर इट इज़ कन्फर्म डेट इट विल कम अप विथ स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर विच इज़ ए 5G प्रोसेसर। और वैसे भी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन फोन्स आने वाले हैं जिसमें आपको 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेंगे विथ अंडर 30,000। तो जी हाँ, ये एक फ़ोन है उनमें से। तो जी हाँ, प्रोसेसर के बारे में ये कंफर्म है। बैटरी के बारे में दोस्तों बात करें तो इट इज़ नॉट कंफर्म येट। काफ़ी सारे वेबसाइट में लिखा गया है कि इट विल बी ए थिन फोन। तो अगर ये थिन फोन हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली बैटरी थोड़ी सी कम आ सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा MAH का बैटरी उतना मोटा होगा फ़ोन। तो अकॉर्डिंग टू माई स्मार्ट प्राइस उन्होंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे बी 7000 mAh की बैटरी आ सकती है। तो लेट्स सी, आई डोंट नो, बैटरी के बारे में अभी डिटेल में सामने नहीं आया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 5000 mAh और 4500 mAh की बैटरी या फिर 7000 mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यस, टाइप सी इज़ कन्फर्म, एज वेल एज कहा जा रहा है कि 25W का फोर्स चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, ये अच्छी बात बन जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड 11 पे आने वाला है, One UI 3.1 आपको देखने को मिलने वाला है, नॉक सिक्योरिटी के फीचर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट वेरिएंट कहा जा रहा है कि 6GB ऑफ 128GB, मतलब 6GB 128GB का वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यस, इट इज़ अ क्वाइट ठीक ठाक फ़ोन, आई वुड से दैट डिसेंट प्रीमियम मिड रेंज फ़ोन। और जैसे कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था कि ये थोड़ा सा गैलेक्सी A52s की तरह ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे गैलेक्सी A52s में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह है, लेकिन उसके प्राइसिंग यहाँ पे 37,000 के आसपास है। तो जो लोग वो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनके लिए ये गैलेक्सी M52 है। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट A52s के जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट इस फ़ोन में आ रहे, लेकिन सारे स्पेसिफिकेशन नहीं आ रहे। उसके जो प्रीमियम फीचर्स वगैरह लेना हो तो आपको ऑब्वियसली गैलेक्सी A52s ही खरीदना होगा, जैसे कि OIS हो गया, IP रेटिंग हो गया। तो ये सारे फीचर्स वगैरह इस फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी ओवरऑल फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, आई वुड से डेट ठीक ठाक है। और अब बात करते हैं कि लॉन्च इवेंट के बारे में, कब तक लॉन्च होगा। तो
इसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे इस फ़ोन का जो सपोर्ट पेज है वो सैमसंग इंडिया के पेज पे लाइव हो चुका है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज हो गया 11 सितंबर, तो बिटवीन 15 डेज के अंदर, मतलब मे भी क्या पता 20 सितंबर या 25 सितंबर तक तो इसका लॉन्च डेट कन्फर्म ही है। और एज वेल एज प्राइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि इस फ़ोन की प्राइजिंग अबव 25,000 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मे भी क्या पता बेस वेरिएंट की प्राइजिंग 25,000 के आसपास आ जाए, लेकिन लेट सी क्या पता 26,000-27,000 के आसपास आ सकता है, लेकिन अंडर 30,000 में ये फ़ोन आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर 26,000-27,000 में आया तो इट इज़ ए क्वाइट ठीक ठाक फ़ोन आई वुड से डेट, लेकिन वही अगर 29,000 में अगर ये बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मैं कहूँगा। तो लेट्स सी जब लॉन्च होगा तो इसका भी प्राइसिंग यहाँ पे निकल के आ ही जाएगा, तो कितना होगा क्या होगा कुछ होगा। बाकी फ़ोन तो यस आई वुड से डेट ठीक ठाक है, लेने लायक अच्छा 5G फ़ोन आने वाला। अब देखना होगा कि कितने बैंड्स वगैरह सपोर्ट करते हैं, तो देखते क्या होता है। बाकी आप लोगों की क्या थॉट्स है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अबाउट गैलेक्सी M52 को लेकर कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।